हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इबादत और ये मेरे ग्रुप मेट से शी सादिया एंड शी इज़ फराना। आज जो है वो हमने एक मॉडल बनाया है, डीएनए वर्किंग मॉडल। ये आप देख सकते हैं, ये वर्किंग कर रहा है। नाउ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज डीएनए? डीएनए होता क्या है? डीएनए इज अ जेनेटिकल मटेरियल। ये जेनेटिकल मटेरियल होता है, ये जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और जेनेटिकल इंस्ट्रक्शंस को जो है वो स्टोर करता है, जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होती है, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, हेयर कलर, आई कलर, हाइट, किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का स्किन कलर, सबके चेंज चेंज होते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशंस डीएनए के अंदर होती है, सारी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो भी होती है, ये डीएनए ही हमें हमारी पहचान देता है। अब हम जानते हैं कि डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। डीएनए इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। लेकिन इस कंसेप्ट को वहाँ छोड़ दिया गया था। उसके बाद ये कंसेप्ट फिर से खुला 1953 में, जब फोर साइंटिस्ट ने ये मॉडल पेश किया था, डबल हेलिक्स मॉडल। वो फोर साइंटिस्ट थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन, जेम्स वेटसन, क्रिक एंड द फोर्थ इज मैरी विल्किंस। इसके लिए 1962 में वेटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज ऑफ मेडिसिन भी मिला था। अब हम जानते हैं डीएनए बॉडी के कौन से पार्ट में पाया जाता है। डीएनए 99% डीएनए जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। जस्ट 1% डीएनए सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। नाउ मेरी पार्टनर सादिया आपको बताएंगी डीएनए का बॉडी में काम क्या, कौन से काम होते हैं और डीएनए की हाइट कितनी होती है। तो डीएनए की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर इसको मालूम किया जाए तो इसकी हाइट सूरज तक भी पहुँच सकती है। क्रोमोसोम डीएनए का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। 1 ग्राम डीएनए 713 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और 2 ग्राम डीएनए में हम अपनी पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे बेसिस हैं, एडेनिन, थायमाइन, साइटोसिन, गैडेनिन। ये हर किसी के सेम नहीं होते, ये मुख्तलिफ होते हैं और ये एक पेयर बनाते हैं। जैसे एडेनिन थायमाइन, इनका पेयर होता है आपस में और ये पहले ये बनते हैं, इसके बाद ही हमारा जो डीएनए है वो बनता है। और इनका काम ये होता है कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो होती है जैसे हमारा हेयर कलर कैसा होगा या हमारी हाइट बड़ी होगी छोटी होगी, आई कलर कैसा होगा, ऐसी सारी ये जो भी हैं ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन होती है। ये कोड है समझे, और इनको ये मिलते हैं कैसे आपस में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए केमिकली बॉन्ड होते हैं आपस में। थैंक यू। नाउ हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए क्या है, डीएनए के बेसिस क्या है, लेकिन सेल में डीएनए जैसा एक और भी जो है हमें मटेरियल पाया जाता है, जिसे कहते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए सिमिलर ही है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें। इसके लिए हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझना होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास स्ट्रैंड्स है। डीएनए दो चीज़ों का कंपोज होता है, न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप्स। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस आती हैं। इसको जैसे कि मेरी पार्टनर ने अभी एक्सप्लेन किया, ये नाइट्रोजन बेसिस है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जो है वो बनी होती है। यहाँ जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जिसमें हमारी डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। ये तो था डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आरएनए के स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है वो ये है। फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज़ होती है और आरएनए में राइबोस शुगर यूज़ होती है। एंड द सेकेंड एंड लिटिल डिफरेंस इज दैट यहाँ थायमाइन जो हमारे पास बेस यूज़ हो रही है, वहाँ यूरेसिल बेस यूज़ होती है। बाकी बेसिस आरएनए में सेम होती है। बाकी जो इसका थर्ड डिफरेंस, बॉडी में इनके काम भी अलग होते हैं। आरएनए हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम ये होता है कि वो इंडिकेट करता है अमाइनो एसिड को, जो कि प्रोटीन में मौजूद होते हैं। यानी आरएनए का ताल्लुक प्रोटीन से एंड डीएनए का ताल्लुक जेनेटिकल इंफॉर्मेशन से, जेनेटिक्स से। अब जैसे ही मैसेंजर आरएनए इंडिकेट करेगा अमाइनो एसिड ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, तो वो ट्रांसफ़र करेगा ट्रांसफ़र डीएनए के पास, और ट्रांसफ़र डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करेगा राइबोसोमल डीएनए के पास, जहाँ हमारा प्रोटीन बनता है। नाउ हम अब जानते हैं डीएनए के बारे में कुछ फैक्ट्स। डीएनए जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, क्योंकि डीएनए हमारे पैदा होने से पहले ही बन जाता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी जो है डीएनए में कोई भी जो है वो डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसकी वजह से ही बॉडी में डिसऑर्डर आता है। और डीएनए का फैक्ट ये है कि डीएनए 2 ग्राम डीएनए जो है वो पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा इसका फैक्ट है। डीएनए टेस्ट तो आपने सुना ही होगा, हम सिर्फ जो है वो जो लिविंग इंसान है उनके डीएनए तो हम ले सकते हैं, लेकिन जो इंसान जिसकी डेथ हो गई है उसका भी डीएनए हम लेके उसकी पहचान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।